ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से ब्रॉडवे की तरफ से हमने स्टार्ट किया ए टू ई एकेडमी जो आपको आईएलटीएस कोचिंग देगी घर बैठे। सो आपको कहीं ट्रेवल करने की जरूरत नहीं है, टीचर वन टू वन आपके साथ लाइव बैठेंगे, आपके क्वेश्चन डाउट्स कंफ्यूजन और प्लस द ट्रेनिंग वो आपको घर पे प्रोवाइड की जाएगी। इमीडिएटली रजिस्टर्ड करें दिए गए नंबर पे 9216780780। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत, ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। लगातार इस चैनल के जरिए कोशिश रहती है कनाडा स्टडी वीजा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते रहे। सो जिस तरह से नॉन एसडीएस की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, बहुत तरह के शोज बनाए जा रहे हैं, अलग अलग तरह के कॉन्टेंट्स क्लाइंट तक पहुँच रहे हैं, अलग अलग तरह के रिव्यूज पहुँच रहे हैं, तो नॉन एसडीएस को लेके कनाडा का जो रवैया है वो 2023 के अंदर कैसा रहेगा, पिछले दिनों में हमने क्या सीखा और इसके आगे क्या इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकते हैं। सो कनाडा के अंदर एसडीएस और नॉन एसडीएस सिर्फ एक ही डिफरेंस के कारण बनता है, दैट इज आईएलटीएस और विदाउट आईएलटीएस। मतलब सिक्स ईच आईएलटीएस का नहीं है, पीटी किया है या कम आईएलटीएस है। तो जो तो कम आईएलटीएस वाले बच्चे हैं उनकी नो गारंटी भाई, क्योंकि वीज़ा आए या ना आए, आई डोंट एंटरटेन उन बच्चों को। एक में 5.5 के साथ मैं फाइल से लगाना बिल्कुल ना तो अप्रिशिएट करता हूं और ना ही हमारा कोई ऑफिस आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेगा। बहुत सारे लोग आप इन्हीं चीज़ का फ़ायदा उठा के आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, आपसे पैसे भी लेते हैं, रिफ्यूज़ल भी लगवा देते हैं, उसके बाद आप सिक्स ईच भी लेते हो और फिर भी वीज़ा नहीं ले पाते हो। ये अब आपने सोचना कि ऐसी जो मूर्खता है वो आपने करनी है या नहीं करनी है। बट जो नॉन एसडीएस इस कारण है कि उसने पीटी कर रखा है एंड आईएलटीएस नहीं कर रखा है, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी ये 2023 के साथ, क्योंकि 2023 चलते ही आते ही बहुत सारे ये अफवाह जो है पीटी को लेके उड़ने लगी है। तो इसको बहुत सिंपल शब्दों में क्लियर कर देता हूँ, कोई लंबा शो करने की मेरी इच्छा नहीं है। कनाडा पीटी को बिल्कुल भी निग्लेक्ट नहीं कर रहा, जो भी बच्चे रिफ्यूज़ हो रहे हैं वो एजेंट्स और बच्चे पीटी को ब्लेम कर रहे हैं, बट कमियां उनके अदर साइड्स ऑफ प्रोफाइल्स में हैं। उनके कमियां हैं मार्क्स के अंदर, उनकी कमियां हैं अपनी परसेंटेज को लेके, उनकी कमियां हैं अपने गैप्स को लेके, उनकी कमियां हैं अपने फाइनेंशियल्स को लेके, और उनकी कमियां हैं अपनी एसओपीज और कोर्स सिलेक्शन को लेके। बट नाम दिया जा रहा है पीटी, तो क्योंकि हर एजेंट अपनी पीठ को बचाना चाहता है, अपने नाम को बचाना चाहता है, तो सारा ब्लेम पीटी पे लगा दिया। पीटी के ऊपर रिजल्ट्स आ रहे हैं और कोई परेशानी नहीं है, और स्कोर हमेशा मैं पीटी का जो रेकमेंड करता आ रहा हूं आपको, दैट इज अबव द एवरेज लाइन, मतलब 54 से ऊपर होगा तो आप सेफ साइड रहोगे, 55 से कम होगा तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, लैंग्वेज एबिलिटी को लेके आपको चैलेंज आ सकता है। बट एज फार आपके रिफ्यूजल में लैंग्वेज एबिलिटी नहीं है तो आपका रिफ्यूजल पीटी के कारण नहीं है, ये चीज आप नोट कर लें। आपका रिफ्यूजल किसी भी और कारण से हो सकता है। ज्यादातर पीटी करने वाले बच्चे कौन से, जिन्होंने आर्ट्स कर रखी होती है और वो भी सिंपल सब्जेक्टों के साथ कर रखी होती है, वो सबसे ज्यादा पीटी करते हैं। और इस टाइम प्रॉब्लम पीटी नहीं है, प्रॉब्लम आर्ट्स है, क्योंकि आर्ट्स वाले बच्चे हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट लेके और ऊपर से डिप्लोमास ले लेते हैं और उसके बीच में अपना रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको कनाडा आज की डेट में एंटरटेन नहीं कर रहा, पसंद नहीं कर रहा। उसे पता है कि ये बच्चे पढ़ने वाले कम हैं और यहाँ पर खलारा डालने वाले ज़्यादा हैं। ऑनेस्टली दिस इज़ व्हाट द फीडबैक ऑफ नॉर्थ इंडियन। तो ये चीज़ मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, अगर आप आर्ट्स वाले स्टूडेंट हो तो दोस्तों बैचलर डिग्री से नीचे कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। यू कैन गेट अ बैचलर डिग्री इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, यू कैन गेट अ बैचलर डिग्री इन टूरिज्म, यू कैन गेट अ बैचलर डिग्री इन इंटीरियर डिज़ाइन। ऐसे कई कोर्सेज हैं जिसमें आप बैचलर डिग्री के कोर्सेज ले सकते हैं और उसमें अच्छा वीज़ा सक्सेस रेट ले सकते हैं विद सिमिलर पीटी स्कोर। डिप्लोमास को अवॉइड करें, नहीं करोगे तो ये हर्जाना आप भरते रहोगे। कनाडा पीटी को लेके कोई बड़ा भेदभाव नहीं कर रहा, बट डेफिनेटली वो पीटी का एक अच्छा स्कोर आपसे मांग रहा है, विच शुड बी सिक्स ईच एंड शुड बी अबव द एवरेज, मतलब 54 या उससे ऊपर ऊपर ये स्कोर हो, तो निश्चिंत होकर आप पीटी के साथ अप्लाई करें। ब्रॉडवे आए, हम कोई पैसा पहले नहीं लेते वीज़ा लगने से और ना कोई पैसा बाद में लेते हैं। हमारा कोई मकसद नहीं है किसी को बेवकूफ बनाने का। वीज़ा आता है, हम रेगुलर ले रहे हैं। ओनली इफ़ यू आर आर्ट स्टूडेंट यू हैव टू बी मोर केयरफुल, और आपका जो सक्सेस रेट है वो कंपैरेटिवली नॉन आर्ट्स वाले बच्चे के मुकाबले फ़र्क रहेगा। और आर्ट्स में भी अगर आप हिस्ट्री अपने मैथ और इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो, साइकोलॉजी के स्टूडेंट हो, तो चीज़ें आपके
फेवर में जा सकती हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखें, कोर्स सिलेक्शन सही लें, पीटी का स्कोर अच्छा लें, तो निश्चिंत और बेफिक्र होकर कनाडा के लिए अप्लाई करें, यू विल गेट योर वीज़ा। बाकी कोई कन्फ्यूजन है कॉन्टैक्ट ब्रॉडवे टीम और कोई भी अपने सोल्यूशंस ले लें, हमारे ऑफिस पूरे नॉर्थ इंडिया में आपकी सर्विस के लिए, सो कहीं पर भी डाउट रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। थैंक यू। जाते जाते एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप ब्रॉडवे की एक्सपर्ट पैनल से कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट broadwayvisa.com पे जाएं, इंक्वायरी फॉर्म भरें, ब्रांच को सिलेक्ट करें, सेम ब्रांच की एक्सपर्ट टीम आपको कॉल करेगी, आपके प्रोफाइल को पूरा प्री स्कैन करेगी फ़ोन के ऊपर और आपको पूरी गाइडेंस डिलीवर कर दी जाएगी। आप अप्लाई करना चाहेंगे तो घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो अपनी नियरेस्ट ब्रांच में विजिट करके अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके पास इंटरनेट की प्रॉब्लम है तो आप सीधा कॉल सेंटर कॉल कर सकते हैं 9023890238, और हमारी कस्टमर केयर सर्विस भी आपको एक्सपर्ट से कनेक्ट कर देगी, बट वेबसाइट के ज़रिए आप जल्दी कनेक्ट हो सकेंगे। हमारे ब्रांचेस अलग अलग सिटीज़ में हैं, पूरे नॉर्थ इंडिया में, जम्मू में, पंजाब के कई शहरों में, हरियाणा के कई शहरों में, गुजरात के कई शहरों में, न्यू दिल्ली में, सो आप इन सब जगहों पर हमारी टीम से मिल सकते हैं। बहुत जल्द हमारे ऑफिसेज आगे भी कई स्टेट्स में आने वाले हैं न्यू ईयर से, सो निश्चिंत होकर इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि एक बेनिफिट और होगा कि एवरी डे मैं इस चैनल पे 1 आवर का लाइव सेशन करता हूँ। अगर आपने सब्सक्राइब किया आपको नोटिफिकेशन आएगा और आप उस लाइव सेशन में डायरेक्टली मेरे से बात कर सकेंगे, अपने कन्फ्यूजन और डाउट्स को सीधा मेरे साथ शेयर कर सकेंगे। आगे भी इस चैनल के जरिए रेगुलर अपडेट्स आपको सेंड करते रहेंगे, सो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से, ब्रॉडवे की तरफ से हमने स्टार्ट किया A2E Academy, जो आपको आइल्स कोचिंग देगी घर बैठे, सो आपको कहीं ट्रेवल करने की जरूरत नहीं है। टीचर 1-to-1 आपके साथ लाइव बैठेंगे, आपके क्वेश्चन, डाउट्स, कन्फ्यूजन और प्लस द ट्रेनिंग वो आपको घर पे प्रोवाइड की जाएगी। इमीडिएटली रजिस्टर्ड करें दिए गए नंबर पे 9216780780। थैंक यू।